ये देखो भाई, कहाँ के किसान भाई की आ रही है यहाँ पे। ये देखो आप, बड़ी आली गांव से आ रही है, भिवानी में जो पड़ता है, और जो मालिक का नाम भी आपने, तो ये तो सब्सिडी अप्रूव्ड में आ रही है। इस मशीन के बारे में थोड़ा बताओ भाई साहब, इसमें क्या कुछ काम हो रहा है, होगा और क्या हो लिया इसमें काम? भाई ये मशीन हुई फुल रिपेयर। अब फिलहाल हम अपने पास सबसे पुरानी रिपेयर कौन सा मॉडल आ रही है, कौन सी रिपेयर हुआ? विश्वकर्मा है और एक जमींदार। अच्छा, विश्वकर्मा और जमींदार, क्या मॉडल मशीन है? जमींदार है 13 मॉडल। अच्छा, विश्वकर्मा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने व्हीकल गुरु यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए जो अपना वेल्डिंग का काम और रिपर्स का काम, रोटावेटर का काम, और ये जो रिपर के समय में अपने जाल बनवाते हैं डंफर वगैरह के ऊपर, वो अपना खिड़की वाला भी, बिना खिड़की में भी, हर तरह का जो है काम यहाँ पर हो जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो नए मॉडल से लेकर के पुराने मॉडल तक की रिपेयर होती हैं, हर तरह की रिपेयर के बारे में आपको दिखाया जाएगा। वो आप चाहे केएस की ले लो, विश्वकर्मा ले लो, या जगतजीत है, पुन्नी है, हर तरह की रिपेयर के बारे में आपने बताएंगे, और क्या कुछ काम यहाँ पर होता है उसके बारे में आपने शेयर करेंगे आज की वीडियो में। तो एक एक करके मैं सभी रिपेयर आपने दिखाऊँगा। और ये जो डम्फर वगैरह हैं ये भी आ रहे हैं काम के लिए, कुछ पेंटिंग के लिए आ रहे हैं, उसमें वेल्डिंग का काम भी है, और किसी का जाल बंधना है। तो सभी के बारे में आपके साथ में शेयर करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले फ्रंट में आपने दिख रही है जो यह विश्वकर्मा 741 जो रिपर है, विश्वकर्मा की रिपर काफ़ी जो है चर्चा में रहती है, और काफ़ी बढ़िया इस रिपर का काम है, हर ट्रैक्टर पर काफ़ी सूट करती है मशीन, तो इसका भी काम होने के लिए आया है। इसमें मेरे हिसाब से ब्लेड का काम हुआ है, ये देखो आप, और भी काम होते रहते हैं सारा। तो काफ़ी जो चर्चित रिपर में से एक रिपर है ये। उसके जस्ट आगे आप देखोगे केएस की जो है, ये वाला मॉडल जो है केएस में आपने काफ़ी पॉपुलर देखने को मिलेगा, हर ट्रैक्टर लगभग आपने 50 HP 55 HP तक आसानी से काफ़ी कम लोड में जो है ट्रैक्टर इस रिपर को चलाएगा, तो ये मशीन यहाँ पर आ रही है। फिर उसके बाद जो ये जगतजीत की आप देखोगे, ये पुराने मॉडल में रिपर है, और जस्ट इसके सामने आप देखोगे ये नए मॉडल वाली रिपर है। इसका जो काम हो रहा है सिर्फ ब्लेड वगैरह का होया होगा, बाकी मिस्त्री से एक बार राय लेंगे। तो ये देखो बिल्कुल एवन नई कंडीशन की मशीन है। तो यहाँ पर आप ये लगा लो 12-13 मॉडल से लेकर के 21-22 मॉडल तक का जो काम, सभी तरह का, नए मॉडल से लेकर पुराना सारा काम होगा। ये आप देखोगे जो है पुन्नी की मशीन है, काफ़ी पुरानी मशीन है, पूरी हैवी मशीन है, फुल साइज में जो मशीन होती है वो है ये जो है 85-62 वाला मॉडल है पुन्नी का। आप इसको जानते भी होगे, आपने काफ़ी वीडियोज में भी देखा होगा। इस अब तो इस मशीन को जो है बड़े मॉडल को काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर दिए कंपनी ने, ये पुरानी मशीन है। और उसके जस्ट पीछे आप देखोगे पुन्नी की मशीन है, वो 75-62 वाला मॉडल है, जो कि छोटे इसमें आता है अपने कटर बार के साथ में। उसके जस्ट साथ में एक और विश्वकर्मा की है, ये 741। तो इसका जो है काफ़ी काम होना है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी मशीन है, इसमें जो है कंप्लीट ब्लेड का काम होगा, और कटर में भी थोड़ी बहुत जो है इसमें गड़बड़ है वो भी काम होगा सारा, और जो बैरिंग वगैरह है सारा इसका काम हो जाएगा। तो सीजन के ऊपर, और एक ये मशीन है ये आप देखोगे तो काफ़ी पुरानी मशीन है, इसका भी काम होना है। तो इसका एड्रेस मैं आपने एक बार वीडियो बीच में दिखाऊंगा, जमींदार एग्रो वर्क्स बेरी, इसके मोबाइल नंबर जो आपने स्क्रीन पर मिल जाएंगे। फिर आपने दिखाऊँ और मशीन, एक ये मशीन है जमींदार की, ये भी काफ़ी पुरानी मशीन है, और बढ़िया जो है काम करने के बाद में मशीन नई पुरानी नहीं रहती, काम के लायक, बढ़िया काम के लायक हो जाती है। तो आप अगर काम करवाओगे बढ़िया तरीके से, अगर मशीन को चलाओगे तो नई जैसा काम करेगी भाई। ये पुन्नी वाला मॉडल मैं आपको एक बार दिखा दूं, तो जो ये 75-62 है, तो ये जो टोहाना में बनती है अपने हरियाणा में, ये तो काफ़ी चर्चित है ये रिपर। जो पुन्नी का जो सामान होता है काफ़ी हैवी ड्यूटी होता है, हर फील्ड में आप रोटावेटर देखोगे, रिपर देखोगे, सभी तरह का। उसके बाद मैं आपने एक बार दिखाऊंगा दूसरी साइड में जगतजीत और गुरुबाज की खड़ी हैं, और न्यू विश्वकर्मा की मशीन भी है। ये जगतजीत 21 मॉडल मशीन, तो 21 मॉडल है इसमें, आप ये देखो भाई,
आप पेंट क्वालिटी भी देख सकते हैं इसकी कैसी है। सिर्फ इसमें ब्लेड का काम हुआ है, बाकी मिस्त्री से एक बार राय लेंगे क्या कुछ इसके अंदर रिपेयरिंग का काम हुआ है। ये देखो पेंट क्वालिटी A1, बिल्कुल नई मशीन। ये देखो भाई कहाँ के किसान भाई आ रही है यहाँ पे। ये देखो आप बड़ी वाली गांव से आ रही है, भिवानी में जो पड़ता है और जो मालिक का नाम भी आपने तो ये सब्सिडी अप्रूव्ड में आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें कहाँ से ये मशीन आई है, जगतजीत कंपनी की, जो कि जगतजीत ग्रुप काफ़ी फिलहाल में चर्चा में है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट मशीनों में लेके आ रहे हैं। फिर इसके पीछे जस्ट गुरबाज की मशीन है, जो कि ये लगा लो खुद मिस्त्री जी यूज कर रहे हैं इस मशीन को, काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स है मशीन का। अगर समय पर काम करवाते हैं आप तो बढ़िया रिस्पॉन्स है, और ये चलती है 50 हॉर्स पावर के न्यू हॉलैंड 3602 पे चलती है, और काफ़ी बढ़िया जो है रिस्पॉन्स मशीन का, कम लोड में और ज़्यादा काम निकालने वाली मशीन है। तो शायद गुरबाज को आपने अगर आप रिपर लेना चाह रहे हैं तो गुरबाज कंपनी को भी आपने एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए, काफ़ी बढ़िया मशीन है, क्योंकि खुद मिस्त्री बता रहे हैं इसके बारे में तो काफ़ी बढ़िया जो मशीन का रिस्पॉन्स है। उसके बाद ये विश्वकर्मा की है, ये देखो काफ़ी पुरानी मशीन है तो इसका भी मेरे हिसाब से काफ़ी काम होना है। ये देखो पूरा ब्लेड वगैरह का काम होगा और जो भी इसमें कमियां हैं सारी पूरी करी जाएंगी। फ्रंट में भी फ्रंट वाले कटर बार का भी काफ़ी काम होना है। तो ये लगा लो भाई पुराना नई मशीन है, पुरानी सभी तरह की मशीनों को एक A1 कंडीशन में करके और चालू करके बढ़िया तरीके से दिया जाए। ये न्यू विश्वकर्मा है और उसके जस्ट साथ में आपने 10 मेस वाली मशीन की जो वीडियो आप देख रहे हैं तो इसमें भी काम होना है, इसका भी काम होगा जल्दी। तो मशीनें आती रहती हैं और जाती रहती हैं, काम लगातार होता रहता है। तो ये पीछे से खुली इसमें मैं आप दिखाऊंगा एक बार, इसके मेरे हिसाब से चेंज होंगे इनके पंखे जो है, इनमें थोड़ा गड़बड़ हो रही है तो वो चेंज करेंगे, मिस्त्री ने खोल रखा सारा ठीक है। तो एक बार मशीन दिखाऊंगा मैं आपने और मिस्त्री से जो है एक बार आपका ज़रूर परिचय करवाएंगे। तो इसमें ब्लेड चेंज कर दिए हैं और पीछे का मेरे हिसाब से पंखे का काम होगा और थोड़ा बहुत और काम होगा। तो पेंट वगैरह तो बिल्कुल लगा लो उड़ेगा इसका, पेंट वगैरह की तरफ तो काफ़ी डाउन जा रही है मशीन, बाकी काम के हिसाब से बढ़िया चलती है मशीन। बाकी अगर समय मिला तो किसान भाइयों से मिलाएंगे एक एक करके, जो भी किसान भाई यहाँ पर लेने के लिए मशीन आएंगे उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे और आपने दिखाएंगे कि कैसा रिस्पॉन्स है, किस कंपनी के हिसाब से किसान का कैसा रिस्पॉन्स है। जो एड्रेस वो आपको मैंने पूरा दिखा दिया है, जमींदार एग्रो रक्स बेरी, इसका जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको मैं स्क्रीन पर दे दूंगा और एक बार मिस्त्री से जो है आपका परिचय करवाएंगे और उनसे बात करेंगे, उसके बारे में पूछेंगे। तो भाई ये 21 मॉडल मशीन है और जस्ट उसके पीछे गुरबाज वाली है, एक बार आपका जो है मिस्त्री जी से एक बार परिचय करवाएंगे, मंजीत जी हैं जो है जमींदार एग्रो रक्स बेरी से। तो भाई वीडियो के बीच में मैंने आपको बोला भी था कि भी एक बार मिस्त्री जी से जो आपका परिचय करवाएंगे और मशीनों के बारे में पूछेंगे, तो एक बार मिस्त्री जी से जो है बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई एक बार अपना मिस्त्री जी जो है परिचय देंगे, अपना कौन सा गांव है और किस नाम था अपनी जो शॉप है उसके बारे में बताओ भाई साहब एक बार। मंजीत अपना नाम है जी भाई। बाग पर अपना गांव है। ठीक है भाई साहब, ये पास में ठीक है। तो जमींदार एग्रो वर्क शॉप तो अपनी दुकान है। अच्छा भाई साहब, जो इसका एड्रेस है ना वो प्रॉपर एक बार आप इसमें मतलब वीडियो में बताओ एक बार भाई। मतलब आप ये लगा लो उस रोड पे तो जमींदार आ रहा है, उस रोड से आ रहे हैं, उसके हिसाब से बता दो थोड़ा। देखो जमींदार एग्रो वर्क शॉप अपनी दुकान का नाम है। हाँ ठीक है भाई। अनाज मंडी के अंदर है। अच्छा, जो बेरी वाली अनाज मंडी है उसके अंदर है। ठीक है। गेट नंबर 3 है अपना। हाँ, जो गेट नंबर 3 मतलब रोड से आओगे तो आराम से। अगर रोड से आप आओगे तो आराम से रोड में लगा मतलब दिख जाएगा। ठीक है ठीक है। हाँ 31 नंबर अपनी दुकान है। ठीक है, 31 नंबर अपना दुकान है। ठीक है। तो भाई साहब एक बार आप ये बताओ अपने पास कौन से मॉडल, पुरानी मशीन तो बहुत करते हैं लेकिन आप ये बताओ कई बार क्या नए मॉडल भी आ रहे हैं मार्केट में जल्दी जल्दी, तो उनका काम भी हो जाएगा अपने पास। सारा बिल्कुल हो जाएगा। मतलब आप
पुराने से मशीन लेकर नई तक का सारा कंप्लीट काम कर रहे हैं। 22 मॉडल हो, 10 मॉडल हो, या 5 मॉडल हो, कितनी पुरानी मॉडल हो, सारा काम हो जाए। पुरानी हो कितनी नई हो, हाँ मशीन का पार्ट मिलेगा। अच्छा जी, हर मशीन का काम हो जाएगा, जेन्युइन पार्ट भी मिल जाएगा, बिल्कुल ओरिजिनल सामान मिलेगा। अच्छा भाई, और क्या क्या काम अपने पास हो जाए, मतलब रिपर के अलावा और भी? भाई जैसे रैपर होगी, हाँ रैपर तो होगी, रोटावेटर होगी, हाँ सुपर सीडर भी हो गए। अच्छा, कंबाइन वगैरह भी कर लिया? हाँ नॉर्मली काम जो हो जाएगा कंबाइन का भी हो जाएगा। हाँ जैसे सुपर सीडर हो गया, एपी सीडर हो गया, हाँ बाकी आप ये मानो कल्टीवेटर वगैरह एरो वगैरह है तो आप, हाँ वेल्डिंग का काम जो भी होगा कंप्लीट हो जाए किसी भी तरह का हो जाए। हाँ आप ये मानो कोई भी काम है, हाँ आप उसको कर देंगे, वेल्डिंग का है भाई, सीट वगैरह का है, जो भी वगैरह खराद वगैरह का है, जो भी है, हाँ आप ये मानो पानी के पंखे से ले, हाँ कंबाइन तक का, अच्छा अच्छा कोई भी काम सारा कम्प्लीट काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो भाई, रंग पेंट भी हो जाए, सोनू पेंटर के पास रंग पेंट सारी सुविधा। अच्छा अच्छा भाई, तो ये भी अपने पास आ रही है, जिस तरह मशीन आ रही है अपने पास, इनमें से आप ये लगा लो सबसे बढ़िया किस कंपनी की मशीन बताओगे आप? भाई देखो वैसे देख है मार्केट के हिसाब से तो जो कंपनी चल रही है वो केस की चल रही है टॉप में। अच्छा, वो मार्केट बोलने का हिसाब से देखा भी वैसे देख के मार्केट का हिसाब है तो केस है टॉप में। अगर आप कोई भी चीज जैसे तो वैसे जगजीत भी है, हाँ जगजीत भी मार्केट में बढ़िया चल रही है, अभी चल रही है। अच्छा भी चलो ठीक है, बाकी वेट की वजह से बड़ा है, लोग किसान है जैसे वो उल्टा है, मतलब हैवी लोडेड मशीन होगी ना, इस वजह से जैसे कि पुनी थोड़ा अचक ज्यादा, मतलब आप ये मेरे हिसाब से लगा बता रहे हो कि भी मान ले किसी 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है और रेपर चला रहा है तो पुनी ने नहीं लेगा मेरे हिसाब, वो नहीं लेगा वो, तो फिर नू लगा लो बड़ा आ रहा थोड़ा लेने की सोचेगा। पुन्नी के ऊपर अपने कम से कम मैक्सिमम लगा लो अगर 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर तो सही है, सही। हाँ वो मॉडल के हिसाब से अपना चल जाएगा, ठीक है मॉडल के हिसाब। अच्छा, अपने पास पुन्नी की मशीन भी है, आ रही है? अच्छा दो आ रही है, ये एक ये है एक पीछे है। अच्छा एक इसके पीछे, अच्छा अच्छा, तो इस मशीन के बारे में थोड़ा बताओ भाई साहब, इसमें क्या कुछ काम हो रहा है, होगा और क्या हो लिया इसमें काम? भाई ये मशीन हुई फुल रिपेयर। अच्छा, इसमें जैसे फिंगर है, हाँ फिंगर डल गए, ये डल गए, ठीक है नए हो गए। एक थ्रेशर के बैरिंग डले हैं दोनों। अच्छा थ्रेशर के बैरिंग डालने पे 12 नंबर के बैरिंग डाले पुन्नी में। अच्छा अच्छा अच्छा, पंखे वाले भी दोनों डले। अच्छा बैरिंग, हाँ ठीक है, पंखे वाले भी हो गए, और ये अपनी साइड जो पीटीओ गियर की सपोर्ट है। अच्छा अच्छा, दोनों तो क्रॉस। अच्छा और सीट बनी है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये कट गई। अच्छा अच्छा ठीक है, नॉर्मल काम है बस। हाँ, बाकी तो ब्लेड डले हैं। हाँ ब्लेड तो, ब्लेड का काम तो सीजन पे हो जाए तो, हाँ दिखा भी देंगे, हाँ ये सीजन के हिसाब से तो चल जाएगा। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, चलो मैं विश्वकर्मा के ब्लेड डल रहे हैं। अच्छा विश्वकर्मा के ब्लेड डल रहे हैं, वो तो ब्लेड है डिमांड के ऊपर भी, किसान फलानी कंपनी चाहिए, मना कोई भी डिमांड है जैसे सारप की है, विश्वकर्मा है, हाँ, कोई भी कंपनी ब्लेड चाहिए वो सारा मिल जाएगा, जमींदार की डिमांड होगी वैसा अच्छा। काम हो जाएगा। अब फिलहाल हम अपने पास सब तो पुरानी रिपर कौन सा मॉडल आ रही है, कौन सी रिपर हुआ? विश्वकर्मा है और एक जमींदार। अच्छा विश्वकर्मा और जमींदार, क्या मॉडल मशीन है? जमींदार है 13 मॉडल। अच्छा विश्वकर्मा, विश्वकर्मा अभी लगभग 12-13 होगी, 12-13। अच्छा जमींदार की कहाँ पे है या? हाँ जमींदार। अच्छा ये है, अच्छा रीपेंट है मेरे साहब दोबारा, हाँ, रीपेंट कर रखी है। अच्छा अपने पास है। अच्छा पेंट हुआ था अपने पास, ये काम भी हुआ था? हाँ काम भी हुआ। अच्छा मतलब किसान का रिस्पांस है, किसान का ठीक है इसके हिसाब से मशीन का? कई बार क्या होता है कि किसान के पास बजट नहीं, हाँ बजट के हिसाब से चलना पड़ता है, हिसाब से चलता है कि थोड़ी पूंजी में मशीन ले ले, हाँ थोड़ी पूंजी में काम भी चल जाए अपना, हाँ काम हो जाए, बाकी मशीन बढ़िया है, ठीक काम चला रही है, ठीक काम चला रही है। तो भी आज की वीडियो जो है आपको कंप्लीट जो है वीडियो आपको दिखाई और हर रिपर के बारे में बताया, तो एक एक करके मैं जहाँ तक हो सके जो भी किसान भाई आओगे खास करके इस पुन्नी वाले किसान भाई से इससे
बातचीत करेंगे और मशीन के बारे में पूछेंगे और कई और भी भाई जैसे जगतजीत की नई रिपर आ रही है केएस की है तो उनके बारे में सभी किसान भाइयों से एक बार राय लेंगे, पूछेंगे कौन सी मशीन बढ़िया रहती है और कैसा रिस्पॉन्स मशीनों के प्रति किसान भाई का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जो एड्रेस है मैं आपने दोबारा एक बार दिखा दूंगा, जमींदार एग्रो वर्क्स जो अपना ये पूरा एड्रेस इसमें और मोबाइल नंबर आपने मिल भी जाएगा और बाकी ऊपर अपना नंबर ये शो भी हो रहा है, ठीक है। तो इसका एड्रेस मैंने पूरा आपको दे दिया है। तो वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक शेयर साथ के साथ करें भाई और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, जो जाल है रिपर के जो ट्रॉली पर आप लगवाते हैं वो कंप्लीट आपने मिल जाएंगे, सारा काम हो जाएगा। ये देखो भाई, ठीक है।